अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमानिया और ये है मेरी अम्मी बीबी। अस्सलाम वालेकुम। और आज आपको थोड़ी हमारी वीडियो में बैकग्राउंड नॉइज भी आएगी क्योंकि घर में बहुत सारे काम हो रहे हैं, मगर हमारी प्रायोरिटी जो है वो ये वीडियोस बनाना है। बड़ी मुश्किल से पूरे दिन के बाद हमने टाइम निकाला है, मगर सुबह से भाग रहे हैं। बट आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे थे, एक्चुअली मैं दो तीन वीडियोस बनाई थी पर अब टाइम एक का ही रह गया। आज जो चीज इसमें बात कर रहे थे, जो बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो है कि मरियम नवाज जो अपने बेटे की शादी पे तैयार हुई, हम उसको कंपेयर कर रहे थे जब हमने एक ड्रामे में उसी सिचुएशन को देखा। राइट, सो दोबारा ड्रामा में जो देखा हमने। हाँ बिल्कुल, दोबारा में तो यही होता है ना कि कोई विडो है, यंग लड़की है, मतलब यंग एज की है। एक्चुअली यू आर राइट, वो विडो होती है। हाँ, और हस्बैंड की बड़ी उम्र होती है और उसकी कुछ ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई भी होती, तो इसलिए हमारी हमदर्दियाँ उसके साथ हो जाती हैं कि चलो अब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो अगर वो खेलना चाहती है तो खेले, खेलना चाहती खेले, अच्छे कपड़े पहनना चाहती है पहने, क्योंकि वो मॉडर्न पहनना चाहती है। उसका हस्बैंड क्योंकि बड़ी उम्र का होता है तो वो चाहता है कि वो मैच्योर नजर आए, वो अपने साड़ियाँ पहने, डल कलर्स पहने, ये सब कुछ। लेकिन मरियम नवाज को अब जब हम देखते हैं तो लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मगर मैं ये समझती हूँ कि जो भी सोच है ना वो हमारे अंदर है। जो ह्यूमन साइकी ना वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम किसी को समझते हैं, अगर हम किसी के बारे में कोई नेगेटिविटी रखते हैं, पॉलिटिकल व्यूज हो हमारे या कोई भी इश्यूज हो, तो उसकी कोई भी बात हम नेगेटिव लेते हैं, हम उसको नेगेटिव लेते हैं। वो जो है ना, वो एक बहुत पुरानी एग्जांपल है कि ग्लास में आधा पानी है तो आपसे पूछें तो आप कहेंगे कि बस खत्म हो रहा है, थोड़ा सा रह गया। या आप कहते हैं कि भाई अभी थोड़ा सा कम है। तो इसका मतलब यही हुआ कि चूंकि हम वो ड्रामा देख रहे हैं, हमारी सिंपथीज उसके साथ हो गई थी, तो हम कहते हैं वो बहुत अच्छा कर रही है। बट आप ये तो सोचें कि वो मरियम नवाज, चाहे वो नवाज शरीफ की बेटी है, चाहे उन्होंने कुछ भी किया, वो उनकी अपने पर्सनल है, उनके हम ही तो लोग हैं जिन्होंने उनको इलेक्ट किया था। हाँ। हम ही तो लोग हैं जिन्होंने इनको बार बार लोग अभी भी वोट देते हैं इलेक्ट किया, और आप ट्रस्ट मी फिर होगा फिर नवाज शरीफ लोग उन्हें वोट देते हैं। हाँ। तो फिर हमारा कोई राइट नहीं बनता कि हम क्रिटिसाइज करें। वो एक औरत भी है, वो एक माँ भी है, उसका भी दिल चाहता है मैं खूबसूरत नजर आऊँ, उसके बेटे की शादी है, बहुत खूबसूरत। एक आम आदमी के जब बेटे की शादी होती है तो वो कहता है मैं बेहतरीन जोड़ा पहनूं, मैं बेहतरीन नजर आऊं क्योंकि मेरे बेटे की शादी है। तो वो भी तो एक इंसान, और उसके तो रिसोर्सेज भी ज्यादा है, उसके तो लाइक हर एक्सेस टू जो उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं। एक आप गरीब को देखें, उसकी भी मां चाहेगी कि मेरे बेटे की शादी है तो मैं अच्छे से अच्छे कपड़े जो अपनी सताते हैं। हाँ, जो लोग बहुत सादा रहते हैं वो भी अपने बच्चों की शादियों में बहुत तैयार होते हैं, बेटा छोड़ बेटी की शादी में भी बहुत तैयार होते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए मुझे और अम्मी को इसलिए बड़ा फनी लगा कि वो हमने एक मीम देखा, वो सबने देखा होगा कि जो दोबारा में फुप्पो हैं, जिस तरीके से वो उसको हदीका की आनी को देखती है, तो पूरी पाकिस्तानी आवाम जो है वो मरियम नवाज को देख रही है। हालांकि उस ड्रामे में हम उसको बुरा कह रहे हैं, फुप्पो को बुरा कह रहे हैं, फुप्पो को वहाँ बुरा कह रहे हैं पर खुद फुप्पो बन जाते हैं और खुद हम फुप्पो बन के देख रहे हैं मरियम नवाज को। तो मेरा ये ख्याल है कि इतना मार्जिन देना चाहिए, उनकी एक प्राइवेसी है, उनकी एक पर्सनल लाइफ है, वो गाने गा रही है तो पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, क्यों, क्या उसका दिल नहीं है कि वो गाना दिल थोड़ा बड़ा करे, अल्लाह ने उसको इतनी अच्छी आवाज दी है तो वो क्यों ना अपने बेटे की शादी में गाए। क्यों, हमारा सबका इजहार खुशी का होता है कि हम अपने बच्चों की शादियों में गाते हैं, बजाते हैं, किसी की भी शादी में जाएं, बिल्कुल, तो हम चाहते हैं बड़े अच्छे तैयार होकर जाएं, खूब अच्छा गाएं, तो उसके बेटे की शादी है, उसकी मर्जी है, कितनी क्राइसिस में है वो। अगर उसकी आउटलेट निकल रही है इस तरह, हमसे तो नहीं वो कुछ मांग रही ना। अच्छा मामा, आपसे लोगों ने ये भी पूछा कि आपका दोबारा ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है, कुछ लोगों ने ये भी अम्मी से सवाल पूछा था। अच्छा देखें, दोबारा जो ड्रामा है फिर वही वाली बात होती, कभी भी कोई कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि अगर हम उसकी पॉकेट में जाके बात करते हैं तो वो कितनी यंग होती है और उसके अब्बा कितने मजबूर होते हैं, उनको सके कैसे मेच्योर
ट्रस्टवर्दी बंदे की जरूरत होती है जो उनके बिजनेस को संभाले। तो वो सोचते हैं कि दामाद से बढ़ के कोई नहीं हो सकता, तो वो दामाद चाहे बहुत गुड लुकिंग है, सब कुछ है, बट वो उम्र में तो बड़ा है। अच्छा, जब वो चाहे वो नुमान एजाज है, तो ये और बात है कि नुमान एजाज बड़ा बड़ी उम्र का होते हुए भी बच्चा लग रहा है। तो जब तो वो ये जब उसकी शादी हो जाती है, तो चाहे हम आम जिंदगी में भी देखें कि किसी भी एज डिफरेंस अगर होता है हस्बैंड एंड वाइफ का, तो हस्बैंड जाता है बेगम बाल ना कटवाए, बेगम बहुत ऐसे कपड़े ना पहने स्टाइलिश से वो छोटी नजर आए। आदमियों का अगर हाइट का हो तो आदमी अपनी बीवियों को हील ही पहनने देते हैं कि आप मुझसे लंबी ना हो जाए। हाँ, तो वो हम कितना देख रहे हैं उसको कि वो डांस करने का दिल चाहता है, उसका हस्बैंड मना करता है, वो ब्राइट कपड़े पहनती है, उसका हस्बैंड मना करता है। तो वो अपना कैथारसिस करती है, ये नहीं है कि वो बहुत खुश है अपने हस्बैंड के मरने से, लेकिन वो जो हमारा एक सोशल वो दिखाते हैं ना कि पूरा सोसाइटी है, वो उसको दिमाग में उसके कुछ नेगेटिविटी नहीं है, वो सिर्फ चाहती है मैं वो काम करूं जो मैं कभी कर नहीं सकी। लेकिन लोग उसको नेगेटिव लेते हैं, उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि यंग लड़के के साथ घूम रही है ये, कि अब वो जो वो अपनी पार्टी में जाती है तो वो औरतें मजाक उड़ाती हैं कि मतलब। एक बात मैं याद बताऊं कि सब लोग रोने वाले को देखकर एंजॉय करते हैं, उसको ना रोते तो है बट दिल से नहीं रोते, उसको थपकियां दे दे के औरत जो है ना और ये करते लगाने वाली है वैक्यूम, तो हमें रैप अप कर देना चाहिए। बट मेरा कहने का मतलब लास्ट लाइन है कि ये जो है ना दुनिया रोने वाले के साथ देती है ताकि लोग हमदर्दी करें, लोग सिर्फ अपने अंदर से नहीं होते और हाँ, और जो लोग और खुश होने वालों के साथ नहीं होती एक्चुअली। हाँ, जैसे वो प्यारी है, खूबसूरत है, तो उसको ना देखकर कोई खुश नहीं है कि वो क्यों है इतनी प्यारी। बहुत दफा हाँ, बहुत दफा अम्मी आप बिल्कुल सही बात करें, लोगों के लिए किसी के गम में साथ देना आसान होता है बिकॉज आप खुद भी थोड़ा बेहतर फील नहीं, करते हैं, नहीं, नहीं, पर खुशी में नहीं, नहीं, नहीं साथ दे सकते गम में ना बहुत करीब के बट तो आप दुख, हाँ, दुख दुख होता है उसको। हाँ, बट दूसरी बात ये थी कि आप इजहार तो करते हैं कि हम परेशान हैं, हम दुख में, बट अंदर से वो बातें नोट कर रहे थे, अच्छा ये इतना रोई है, ये कर रही है, मानी था कि वो रो क्यों नहीं रही है, वो बच्चे से क्यों बात कर रही है, दुपट्टा नहीं पहना हुआ, दुपट्टा नहीं पहना हुआ, रंगीन क्यों पहना। तो ये जो होता है ना, मतलब हम फितरतन अगले को दुख में देख के खुश होते हैं, उदास अपेरेंटली होते हैं अंदर से। हाँ, दैट इज ट्रू। और जब कोई इंसान को खुश हो, जो जमी बात करें, जो इंसान खुश हो उसकी खुशी देखना हमारे लिए बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। और कहते हैं ना किसी की खुशी में खुश होना बहुत, हाँ, बहुत मुश्किल काम है, और ये मुश्किल काम है और नामुमकिन है। आप दूसरे को खुश होते हुए भी अंदर से अंदर उदास ही होते हैं कि ये क्यों खुश है, इसने कहाँ से पैसे आए, कहाँ से इसने ये किया, कहाँ से इसको चीजें मिली। तो बहरहाल इससे हमें क्या सबक मिलता है कि दूसरे का आपको नहीं पता अंदर वो क्या सोच रहा है, आप उसके दिमाग में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, इसके प्रेशर डाल रहे हैं, हालांकि इसके दिमाग में कोई गलत बात नहीं है, गलत बात है, उसको अपना बच्चा ही समझती है, बेटे के बराबर, एक सिंपैथी उससे करिए। बट अब हो सकता है कि आगे एपिसोड दिखाएंगे जो भी है, तो मे बी हाँ वो हम मजबूर कर रहे हैं, सोसाइटी इसको मजबूर कर रही है वो सब कुछ कर, जैसे वो बच्चा कहता है कि मैं करूंगा शादी। अच्छा, अभी हमारे घर वैक्यूम चल पड़ा है, तो अब आपको अंदाजा होगा हमारे घर बहुत काम हो रहा है, तो अब हम चलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज़।